ग्राम पंचायत कोट लांगसा के अंतर्गत दी करियाली सहकारी सभा समिति उनके खाता धारकों के अथक प्रयासों से के फल स्वरूप उनके मूलधन का 30% राशि वितरित की गई, जिसमें ऑडिटर राकेश कुमार और इंस्पेक्टर राजेश कौशल, दिनेश कुमार प्रधान व पंडित संजीव कुमार उप प्रधान, देवराज मेंबर मनीष कुमार, राजेश कुमार कमलजीत और पूर्व जिला परिषद सदस्य संगीता कुमारी शामिल रहे। संगीता शर्मा ने उपायुक्त हमीरपुर देव स्विता बनी का एआरओ प्रत्युक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गरीब जनता ने अपने ही पैसों के लिए बहुत संघर्ष किया है और उन्हें अब अपने मूलधन में से पैसे मिले हैं, और या गुजारिश है कि आगे भी लोगों को उनका पूरा पैसा दिया जाए। और पूर्व कमेटी जो कि गबन में संलिप्त पाई गई है, उन्हें जल्द से जल्द वसूली की जाए ताकि लोगों को उनका पैसा ब्याज सहित मिल सके। और सर मैं एक और बात आपसे आपके माध्यम से हमारे जो ऑफिसर्स हैं हमारे सोसाइटी के ऑफिसर्स होते हैं उनसे करना चाहूंगी कि आपसे मेरा निवेदन है कि जो पूर्व जो हमारी कमेटी थी और जिन्होंने गबन किया है, चाहे वो कोई भी है, मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी है, उनसे रिकवरी ली जाए। ये जो हम आज पैसे वंटित कर रहे हैं ये रिकवरी के पैसे नहीं, ये हमारे पास जो सेविंग्स थी, जो FDs थी और हमने जो सारा जो जैसे लोनी थे उनसे थोड़े बहुत रिकवर किए, वो वाले पैसे हैं। लेकिन जो हमारे जिन्होंने गबन किया है उनसे अभी पैसे नहीं वसूल किए गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि उन पैसों को जल्दी से जल्दी इनसे वसूला जाए। धन्यवाद। हमारी जो नई कमेटी बनी है उसमें बहुत ही जुझारू और ईमानदार लोगों को हमने चुना है और उन्होंने लोगों को आज दूसरी बार पैसे 30-30% आज सबको पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि मुझसे पूर्व मेरी जो दादियां हैं, मेरी माताएं हैं, वो बोल के गई, तो हमने दूसरी बार, पहले हमने 2017 में इनको 25-25% दिलवाए थे, आज हमने इनको 30-30% दिलवा दिए। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी DC मैम देव श्वेता बनेट्टी का, हमारे AR प्रति उत्सर जी का, रोहित जी जो कि सोसाइटी के सचिव है, यहाँ के न्यू जो कमेटी है उसमें प्रधान है संजीव कुमार जी, उप प्रधान है देसराज जी, कमेटी मेंबर्स हैं कमलजीत जी, रमेश जी और मनीष जी, और हमारी ऑडिट कमेटी, ये सब धन्यवाद, इनका सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने रात दिन मेहनत की, बहुत ही एक खाना भी नहीं खाते थे और ये लोगों के लिए इतने लोगों का काम करने के लिए इतने तत्पर है कि रात दिन एक करके इन्होंने अपना समय दिया और ये आज हो पाया कि जो लोग हैं वो खुश हैं कि उनको पैसे मिल गए। और आपके माध्यम से मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगी, पैसे तो मिल गए, 25% पहले मिले थे, 30% अब मिले, लेकिन पूरा धन अभी लोगों को नहीं मिला है। 30% से लोग खुश नहीं होंगे अभी, ये तो थोड़ा सा इनको राहत मिली है, राहत राशि जो होती है वो मिली है, अभी इनका मूलधन बहुत है, मूलधन ही मेरे पास लगभग यहाँ पे है आंकड़े कि 45 लाख रुपए लोगों का मूलधन है जो कि 2015 में था, उस पर ब्याज लग लग के पता नहीं ये कितनी राशि हो गई है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आगे भी लोगों के सारे पैसे दिलाए जाएं, और उन लोगों को जो कहते थे कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, हमने जब फरवरी महीने में हम मैम के पास गए उसके बाद लोगों को भी बहुत टॉर्चर किया गया कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप शब्द बोले गए जो कि मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती, तो लोगों को टॉर्चर किया गया कि आप क्यों गए वहाँ पे, ये होता है वो होता है, तो ये सब उन्होंने खारिज किया और आज हमें पैसे मिले हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, और दोबारा से आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस जो दौर चला है पैसे देने का और ईमानदारी का, उसको थमने ना दें और पूरा हमारा पैसा जो है, ये लोगों का पैसा, मेरा पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है, उसको लोगों को दें। धन्यवाद। और हम जाओ से बोल रहे हैं, हमारे जिला परिषद रहे हैं, इन्होंने हमें हमारे पैसे दिलवाए हैं, पहले मिले थे हमको 3 साल पहले, अब भी इन्होंने दिलवाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनकी उम्र बहुत लंबी हो। मैं भी मैच बेची गई, मैं मेरे पैसे मिल गए हैं। धन्यवाद।